हमें पिज्जा जैसा टेस्ट कर रहा है। मेरा नाम है जयश्री और स्वागत है आपका लाइफ इज ब्यूटीफुल के एक और एपिसोड में। आज हम करने जा रहे हैं कुछ खास, क्योंकि आज जो भी हम खाते हैं नॉर्मल चीज़ें उसमें लगने वाली है आग। जी हाँ, आज हम आए हैं फायर डोसा, जो कि एक नई इनोवेशन है, वो चखने के लिए, वो भी 56 दुकान की फेमस फूड स्ट्रीट में। यहाँ पर डोसा क्राफ्ट है, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई है। तो जब यहाँ पर फायर डोसा इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को दिखाया जाए कि ये फायर डोसा कैसे बनता है। तो देखिए इस फायर डोसा को। रेडी है हमारा फायर डोसा खाने के लिए। इसकी डेकोरेशन जितनी अच्छी है, मुझे उम्मीद है कि टेस्ट भी उतना अच्छा होगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना है। और इसको बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है कि ये कोयले पे बनता है और इस जो कोयला है उस पर वक्त ज़्यादा ही लगता है कुछ भी बनाने में। इस बनते हुए इतनी अच्छी लग रही है, तो वो खाने में कैसी है इसको जल्दी से टेस्ट करके मैं आपको बताती हूँ।
इस डोसे के साथ में आपको मिलेगी तीन चटनियाँ, जिसमें सबसे पहले है टमाटर की चटनी, उसके बाद में है नारियल की चटनी और साथ ही एक एडिशन है इसमें हरी चटनी। तो चलिए इन सबको टेस्ट करते हैं। सॉफ्ट लग रहा है ये देखिए, इसको कितना सॉफ्ट है टेस्ट। डोसे में बहुत सी सब्जियां थी जो अच्छे से मैश हो गई थी, साथ ही सब्जियों को अंदर से पकाने के लिए इसमें बहुत सी मायोनीज डाली हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही क्रीमी लग रही थी। और साथ ही जब इसके ऊपर से मायोनीज और चीज़ दोनों डाले गए तो वो इसे और भी ज़्यादा सॉफ्ट बना रहे थे और टेस्ट में भी एडिशन कर रहे थे। मैंने ये डोसा सबसे पहले टमाटर की चटनी के साथ खाया और उसके बाद नारियल की, और मुझे दोनों के साथ ही इसका ऑलमोस्ट सेम ही टेस्ट आया। तो अगर आप चाहें तो आप इसे विदाउट चटनी भी ट्राई कर सकते हैं, ये अकेला ही काफ़ी है। So that's it for today's video. For more such videos, देखते रहिए Life is Beautiful और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Bye bye.